गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपाद दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करें या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। का है ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना, समझे समझे वो मंत्र बता दो। एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लिंग शब्द कह आधा लय में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लिंग गा, गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो या स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो या स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया, अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में। तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्री लगनी चाहिए, क्रह नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा और राधा बिना कृष्ण राधा। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। कुछ गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है शब्द से सर्वभूतों की उत्पत्ति। 2 मई 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार भर के प्राय सभी धर्म इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि शब्द से ही सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है। हिंदू दर्शन के अनुसार ओम से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस संबंध में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक तथा 7वें के 23वें तथा 24वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मा मनुस्मरण
ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मा मनुस्मरण यह प्रयाति तेजन देहम से याति परमाम गतिम। आठवीं सर्ग 13। अर्थात जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। तत्सदिति निर्देशो, तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मस्त्री विधि स्मृत है। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। 17 विसर्ग 23। अर्थात ओम तत्सत ऐसे तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। तस्मादो मित्यु दाह्यत्य यज्ञ दान तपह क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततम् ब्रह्मवादी नाम। 17 विसर्ग 24। अर्थात इसलिए वेद का कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र से नियत की हुई यज्ञ और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। ईसाई धर्म में भी संसार की उत्पत्ति शब्द से मानते हैं। इस संबंध में बाइबल स्पष्ट कहती है, आदि में वचन यानी शब्द था और वचन यानी शब्द परमेश्वर के साथ था और वचन यानी शब्द परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। इसी प्रकार यहूदी मत भी संसार की उत्पत्ति शब्द से मानते हैं। यहूदियों के सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण में कहा गया है, समुद्र के ऊपरी तल पर अंधकार था और ईश्वर की आत्मा जलों पर विचरण कर रही थी। शब्द के द्वारा उसने समुद्र को अंतरिक्ष से विभक्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप अब यहाँ दो समुद्र हैं, एक पार्थिव जो अंतरिक्ष के नीचे है, दूसरा द्युलोकीय जो अंतरिक्ष के ऊपर है। इस संबंध में वेदों के रहस्य को स्पष्ट महर्षि श्री अरविंद ने कहा है, इस सार्वभौम विश्वास को या इस वैश्वरूपक को गुह्यवादियों ने पकड़ा और उसमें अपने समुद्र मनोवैज्ञानिक मूल्यों को भर दिया। एक अंतरिक्ष की जगह उन्होंने दो को देखा, एक पार्थिव और दूसरा दिव्य। दो सागरों के स्थान पर उनकी अनावरत दृष्टि के सामने तीन सागर प्रसारित हो उठे। जो कुछ उन्होंने देखा वह एक ऐसी वस्तु थी जिसे मानव कभी आगे चलकर देखेगा। जब प्रकृति और जगत को देखने की उसकी भौतिक दृष्टि आंतरात्मिक दृष्टि में बदल जाएगी। एक ऐसी वस्तु थी जिसे मानव कभी आगे चलकर देखेगा। जब प्रकृति और जगत को देखने की उसकी भौतिक दृष्टि आंतरात्मिक दृष्टि में बदल जाएगी। उनके नीचे उन्होंने देखी एक अगाध रात्रि और तरंगित होता हुआ तमस, अंधकार में छिपा अंधकार, निश्चेतन समुद्र जिससे एक मेव के शक्तिशाली तमस के द्वारा उनकी सत्ता उद्भूत हुई थी। उनके ऊपर उन्होंने देखा प्रकाश और मधुरता का दूरवर्ती समुद्र जो उच्चतम व्योम है, आनंद स्वरूप विष्णु का परम पद है, जिसकी ओर उनकी आकर्षित सत्ता को आरोहण करना है। उनमें से एक था अंधकारपूर्ण आकाश, आकारहीन जड़ निश्चेतन असत। दूसरा था ज्योतिर्मय व्योम सदृश
सर्वचेतन एवं निश्चेतन सत, ये दोनों एकमेव के ही विस्तार थे, एक अंधकार में दूसरा प्रकाश में। इन दो अज्ञान अनंताओं के अर्थात अनंत संभाव शून्य और अनंत परिपूर्ण क्षय के बीच उन्होंने अपने चारों ओर अपनी आंखों के सामने नीचे ऊपर नित्य विकसनशील चेतन सत्ता का तीसरा समुद्र देखा, एक प्रकार की असीम तरंग देखी जिसका उन्होंने एक साहसपूर्ण रूपक के द्वारा इस प्रकार वर्णन किया, परमो समुद्रों तक आरोहण करती या उनकी ओर प्रवाहित होती है। यह है वह भयानक समुद्र जो हमें पोत द्वारा पार करना है। मेरे साथ निरंतर, गुरुदेव कहते हैं, मेरे साथ निरंतर आध्यात्मिक सत्संग करने वाले उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार आंतरात्मिक दृष्टि से सब कुछ देख रहे हैं। मेरे साथ निरंतर आध्यात्मिक सत्संग करने वाले उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार आंतरात्मिक दृष्टि से सब कुछ देख रहे हैं, यानी प्रत्यक्षानुभूति कर रहे हैं। लगता है वेदों की सच्चाई हम संसार के सामने शीघ्र प्रमाणित कर सकेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई मन की संचाई जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है सबके? जय आ रही है गुरु भाई। जय श्री गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन या ललिता गुरु बहन भी जुड़ी हुई है वो मंच का संचालन कर सकती है। जय गुरुदेव। पंकज जी गुरु भाई भी हैं। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अध्यात्म विज्ञान संस्था केंद्र जोधपुर के संस्थापक व संरक्षक गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव के चलने वाले सामूहिक कार्यक्रम ध्यान और कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम निरंतर सुबह शाम चलता है। सुबह इस कार्यक्रम में ध्यान करवाया जाता है। शाम को 7 बजे ये कार्यक्रम शुरू होता है। इसमें सबसे पहले गुरुदेव की स्पीच चलाई जाती है, गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनी जाती है, उसके बाद ध्यान लगाया जाता है और उसके बाद दिव्य गुरुदेव की स्पीच जिसमें गुरुदेव ध्यान की विधि बताते हैं वो चलाई जाती है। उसके बाद साधक अपना अनुभव साझा करते हैं। तो इस कार्यक्रम में आपसी सद्भाव बनाए रखा जाता है, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता। इस कार्यक्रम से संबंधित या गुरुदेव के इस दर्शन से संबंधित कोई भी किसी प्रकार की कोई फीस किसी से नहीं ली जाती है। कार्यक्रम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, आप वहां से सीधा कनेक्ट कर सकते हैं और इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत है। और किसी भी गुरु भाई बहन को अपनी बात कोई रखनी है, कोई बात साझा करनी है तो आपका स्वागत है। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है। कोई नए गुरु बहन या कोई नए साधक जुड़े हैं तो वो अपने बारे में बता सकते हैं, गुरुदेव से किस प्रकार जुड़ना हुआ
कोई जिज्ञासा है मन में, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं गुरुदेव से संबंधित, गुरुदेव की स्पीच से संबंधित, गुरुदेव के दर्शन से संबंधित, तो पूछ सकते हैं। ये मंच आप लोगों के लिए ही है। कोई नए गुरु भाई बहन जुड़े हैं तो स्वागत है। रेशमा गुरु बहन, रेशमा गुरु बहन आप। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय श्री गुरुदेव गुरु बहन। आप नए साधक हैं? मैं तो पुरानी हूँ, लगभग 5 महीने से जुड़ी हुई हूँ। जी, आप कहाँ से जुड़ते हैं, अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए गुरु बहन, गुरुदेव से किस प्रकार जुड़ना हुआ। गुरु बहन, मैं गाजियाबाद से जुड़ी हुई हूँ और अपने भाई के जरिए मैं इस गुरुदेव से जुड़ी। जी गुरु बहन, अनुभूति तो आपको कोई। जी बोलिए गुरु बहन, बोलिए। अनुभूति तो मेरे पास अभी है नहीं गुरु बहन, लेकिन हाँ गुरुदेव थोड़ी कृपा कर रहे हैं मुझ पे। थोड़ा मेरे को 10 दिन से लगभग थोड़ी थोड़ी योगिक क्रियाएं होनी शुरू हो गई हैं। जी जी गुरु बहन, आप गुरुदेव से किस लिए जुड़े थे, कोई समस्या थी या कोई आध्यात्मिक रुचि, कैसे जुड़े थे? बहन मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन मेरे भाई को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्हें जो भी जानकारी अच्छी मिलती है तो हमें साझा करते हैं। तो उन्होंने जैसे ही उन्हें गुरुदेव मिले तो हमें भी उन्होंने साझा करा कि तुम भी गुरुदेव से जुड़ो। जी जी गुरु बहन, तो आपके साथ बहुत अच्छा हुआ, आपको आपके भाई ने समर्थ गुरुदेव से जोड़ा। गुरुदेव से के आपके जीवन में आने के बाद क्या कुछ परिवर्तन आपको लगते हैं? गुरु बहन, परिवर्तन तो कुछ खास नहीं है, लेकिन थोड़ा मन को शांति मिल रही है गुरुदेव से जुड़ने के बाद। घर में हालांकि परेशानियां तो बहुत हैं, लेकिन हाँ शांति मिल रही है मन को। जी जी गुरु बहन, मन को शांति मिलना भी बहुत बड़ी बात है। आपके परिवार में परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी आपका मन शांत है, वृत्तियां शांत है आपकी, ये भी बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे हम जब प्रयास करेंगे, हमें भी पात्र को सीधा रखना पड़ेगा गुरुदेव के सामने, तो पूर्ण कृपा हो जाएगी। जी गुरु बहन। जी जी गुरु बहन। जी गुरु बहन, कुछ और कहना चाहती हैं आप? नहीं गुरु बहन, अभी तो कुछ नहीं है कहने के लिए। जी, आपके घर में और कौन कौन गुरुदेव के ध्यान मंत्र करता है? गुरु बहन, वैसे तो हम 4 जने हैं, दो बच्चे, हस्बैंड वाइफ, हम तो लगभग चारों ही करते हैं वैसे तो, लेकिन हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता तो सिर्फ ध्यान पे बैठते हैं शाम को 15 मिनट। बेटी भी बैठती है ध्यान पे, और बेटा भी थोड़ा बहुत मंत्र जाप कर रहा है, लेकिन वो बैठ नहीं रहा अभी ध्यान पे। जी गुरु बहन, अच्छा तो आपको कोई शारीरिक परेशानी है, जो आपको योगिक क्रियाएं होती हैं, वो किस तरीके की योगिक क्रियाएं होती हैं? गुरु बहन, मैं मेरी पूरी बॉडी हिल रही है, मतलब आगे पीछे हो रही है, ऐसे हो रही है। हाँ शारीरिक कष्ट तो रहते ही है मुझे, वैसे पेट की भी प्रॉब्लम है, घुटने उठना भी थोड़ा दर्द रहता है, सर्वाइकल की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मेरी पूरी बॉडी हो रही है आगे पीछे ऐसे हो रही है, हल्की हल्की, ज्यादा नहीं। जी जी गुरु बहन, कई बार गुरुदेव योगिक क्रियाओं के बिना भी हमारे समस्याओं का हल कर देते हैं, हमें स्वस्थ कर देते हैं। जी गुरु बहन, हाँ लग रहा है, वैसे मुझे फील तो हो रहा थोड़ा थोड़ा कि मैं पहले से बेहतर हूँ थोड़ा। जी जी गुरु बहन, जैसे मेरी मदर हैं गुरु बहन, उनको डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला हुआ था,
बच्चे दानी जो होती है ना उसमें इन्फेक्शन था कई सालों से, उनको ऑपरेशन बोला हुआ था जी. और कमर का भी ऑपरेशन बोला हुआ था, वो डिस्क होती है वो हटी हुई थी. और गुरुदेव से जुड़ने के बाद उनको आज तक योगिक क्रिया तो नहीं हुई है, लेकिन वो सारी समस्याएं दूर हो गई हैं उनकी अपने आप. हाँ जी 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 गुरु बहन, तो आप थोड़ा धीरज रखें और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा गुरु बहन. जी जरूर गुरु बहन, गुरुदेव की कृपा बरसेगी जरूर मुझ पर भी. जय गुरुदेव गुरु बहन. जय श्री गुरुदेव गुरु बहन. जय श्री गुरुदेव. और कोई साधक अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है. विक्रम पटेल भैया स्वागत है. हेलो. जय गुरुदेव गुरु बहन. जय गुरुदेव. जय श्री गुरुदेव गुरु भाई. जय श्री गुरुदेव गुरु बहन. शायद कोई गुरु भाई पहले उनको ले लो. जय गुरुदेव गुरु बहन. जय श्री गुरुदेव गुरु बहन. जय श्री गुरुदेव. गुरुदेव मेरे हस्बैंड बात करना चाहते हैं गुरु बहन. जी जी गुरु बहन. जय गुरु बहन. जय श्री गुरुदेव गुरु भाई. जय श्री गुरुदेव. गुरु बहन मैं भी ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं ध्यान पे बैठता हूँ तो मैं पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ. मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मेरा जो 15 मिनट का ध्यान में बैठता हूँ मेरा मन इधर उधर हो जाता है. कभी मेरे दिमाग में कुछ चलने लगता है, कभी कुछ चलने लगता है. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गुरुदेव मेरे सामने रहे, ध्यान उन पे रहे, लेकिन मेरा ध्यान भटक जा रहा है. तो उसके लिए क्या करूँ कि मैं एकदम फोकस कर पाऊँ 15 मिनट के ध्यान में, मैं कुछ और ना देखूँ केवल गुरुदेव को देखूँ. जी जी गुरु भाई, हमें कुछ नहीं करना, हमें अपनी तरफ से कोई व्यक्तिगत प्रयास नहीं करना इसमें. हमें सिर्फ गुरुदेव की तस्वीर को 2 मिनट देखना है, मंत्र सुनना है और बैठ जाना है. हमारा मन कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं वो सब गुरुदेव कंट्रोल करेंगे. हमें व्यक्तिगत प्रयास नहीं करना उसके लिए. अच्छा, तो जैसे ध्यान में बैठे हैं और ध्यान इधर उधर चल जाए तो मतलब हम कोई ना करें कोशिश तो कर रहे हैं कि गुरु जी की फोटो सामने रहे, उनका चेहरा सामने रहे. तो ज्यादा मतलब हम कुछ ना करें ध्यान अगर भटकता है तो. नहीं नहीं गुरु भाई, जो होता है होने दो गुरु भाई. एक बार ध्यान में हम बैठ गए उसके बाद हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहना चाहिए उस पे. और ध्यान अगर आप चाहते हो कि आपका ध्यान अच्छा लगे तो उसके लिए जितना ज्यादा हो सके मंत्र जप करेंगे ना, तो आपका ध्यान बिना बैठे बिना गुरुदेव से ध्यान मांगे लगने लग जाएगा. यहाँ लोगों के रोड पर चलते हुए ध्यान लग जाते हैं गुरु भाई जब वो मंत्र जप अपना अच्छा करते हैं. तो सबसे मेन तो मंत्र जप है इस साधना में. जी तो गुरु बहन, अगर मंत्र भी जपता हूँ, अब जैसे हम नौकरी वाले हैं सारे दिन ऑफिस में रहते हैं, उसमें भी अगर कभी खाली रहते हैं तो हमेशा ध्यान नहीं आ पाता. कभी एकदम ध्यान आता है तो जपने लगते हैं, और फिर काम आ गया तो काम में लग जाते हैं. उसके बाद कभी फ्री हुए तो एकदम से ध्यान में नहीं आ पाता. तो कुछ ऐसा कि हमें ध्यान रहे, जैसे टाइम मिले एकदम हम मंत्र जापना शुरू कर दें, वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है. अच्छा, तो गुरु भाई जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो वो काम करते करते भी उस मंत्र को दिमाग में रखें, और जितनी ज्यादा हो सके जब हम घर आए ना तो गुरुदेव की स्पीच सुने. जब भी हमें समय मिले गुरुदेव की ज्यादा से ज्यादा स्पीच सुने, ताकि हम उसमें समझ पाए गुरुदेव के दर्शन को. जब हम किसी चीज को अच्छे से समझ जाते हैं ना, तब भी उस चीज को हम अच्छे से कर सकते हैं, है ना. जब तक हमें उसका बेसिक ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं है हम कर क्यों रहे हैं, इसका क्या महत्व है, क्या क्या इसका असर होने वाला है, क्या कारण है, तब तक भी हम उसको उसके लिए समर्पित नहीं हो पाते. तो जब हम गुरुदेव की स्पीच सुनेंगे, गुरुदेव की बातें सुनेंगे, तो उससे हमें ये दर्शन बहुत समझ में आएगा, बहुत गहराई से हम इसको समझ पाएंगे. जी गुरु बहन. तो गुरु भाई मैं तो आपको यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि गुरुदेव का मंत्र जितना ज्यादा हो सके करना है, और गुरुदेव की स्पीच को ज्यादा से ज्यादा सुनना है.
और कोई गुरु भाई गुरु बहन इस बारे में अपनी राय रखना चाहते हैं तो स्वागत है। विनोद जी, गुरु भाई ने हैंड रेज किया था, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। जय जय गुरुदेव। गुरुबहन आपका स्वागत। सॉरी बोलने की तो गुरुबहन कोई जरूरत नहीं है, वो तो उस वक्त मैं कोई आ नहीं रहा था इसलिए मैंने कोई अनुभूति पढ़ के सुना देता हूँ। लेकिन अभी ये गुरु भाई जो है उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा। गुरु भाई जय गुरुदेव। एक जय गुरुदेव जी। गुरु भाई एक दो बात जरूर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो जी गुरु भाई जो व्यवहारिकता को देखते हुए आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप जो है बैठ के काम करते हैं, सामने टेबल है तो आप वहां पे गुरुदेव की कोई फोटो वगैरह कोई पैम्पलेट्स वगैरह वहां पे लगा सकते हैं, तो जिस वक्त भी आपको टाइम मिलेगा एकदम से आपका ध्यान जाएगा वहां पे सामने गुरुदेव की फोटो पे, तो आपका मंत्र जाप शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये कि गुरुदेव ने भी कहा इस बारे में कि मंत्र जो है उसके लिए हमें कोशिश करनी है। गुरुदेव ने कहा है ना, आपने स्पीच में सुना भी होगा, नहीं तो जैसे गुरु बहन बता रही है आप स्पीच सुनेंगे तो आपको सुनने को मिल जाएगा कि गुरुदेव ने इस बारे में बोला है कि उसके लिए तो आपको प्रयास करना है, मंजिल तक पहुंचने के लिए तो चलना आप ही को पड़ेगा तो आपको प्रयास करना है। वहां पे हमें अपने इंटेलिजेंस का, बुद्धि का, दिमाग का इस्तेमाल करना है कि हम किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप कर सकते हैं। और ये बात गुरु बहन ने सही कहा कि ध्यान और योग समाधि जो है वो तो परिणाम है मंत्र जाप के, तो जब आप सघन मंत्र जाप करेंगे तो ध्यान भी अच्छा लगेगा और बाकी सारे भी, तो आप बस प्रयास करिए। तो इस तरह से आप फोटो रख सकते हैं वहां पे तो आपका ध्यान जाएगा। और बाकी आप हर वक्त जो है जैसे सवेरे उठते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है ना कि अभ्यास करने से सब कुछ संभव है, गुरुदेव ने भी कहा है, तो अभ्यास जो है करो आप धीरे धीरे, अभ्यास करने से वो मंत्र जाप जो है लगातार चलने लगेगा। आप सवेरे उठते हो तो आप उठते के साथ ही मंत्र जाप करा करो, फिर सामने रख लो गुरुदेव की फोटो इस तरह से कि जैसे ही आप उठो एकदम से गुरुदेव की फोटो पे आपका ध्यान जाए, तो वहीं से शुरुआत हो जाएगी फिर आपकी। जय गुरुदेव। जी जी जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई निश्चय ही आपकी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया होगा। और कोई गुरु भाई, कोई साधक अपनी बात रखना चाहते हैं इस विषय में तो स्वागत है। ये बहुत अच्छा विषय चलाया है गुरु भाई ने, जो नए साधक जुड़ते हैं उनके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। जी जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई जय श्री गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन गुरु भाई जैसे मेरे हाल भी था शुरू शुरू में, जब मैं जुड़ा तो ध्यान याद का कहा, वो तो जितने खराब कर्म किए थे मैंने वो सामने नजर आ रहे थे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मेरा कचरा देख रहा विक्रम पटेल बैठे रहो, गुरु भगवान का नाम जाप तो मैं करता ही था लेकिन मन मेरे बस में नहीं था, न मेरे आज्ञा चक्र में गुरु भगवान आते थे ना कुछ आता था। जितने खराब कर्म किए हैं गुरु बहन वो वहां मन चला गए। मैंने कहा गुरु भगवान आप संभाल ला भगवान, मैं तो बड़ा कलयुगी पुत्र हूं आपका, बड़े खराब कर्म है दादा हमने कहा, इसीलिए तो आपको प्राप्त किया है, अब आप जो सब मेरे संकट काटो, मेरे कष्ट हरो, मेरे कलेश हरो, मैं इस साधना के योग नहीं हूं, मैं कलयुगी पुत्र आपका, सब जितने दुनिया के खटकर्म है जितने खराब कर्म है वो किए हैं मैंने, मैं कहां इस लायक हूं दादा। तो दीदी कई दिन जितने भी खराब कर्म है वो सब नजर फिल्म जैसे चलते थे, विक्रम पटेल जे किया है, लेकिन मैं गुरु भगवान के सामने डटा रहा दीदी पूरी निष्ठा के साथ। तो गुरु भाई चिंता ना करें, अपन ने बहुत से जन्म लिए हैं, अपन ने किन किन का काम बिगाड़ा है, किन का पैसा खाया है, इनको तकलीफ दिए है जी तो नहीं मालूम, लेकिन खराब कर्म तो है अपने, तो वो एक दिन अपना कचरा साफ होके और एक दिन ऐसा आएगा आपको कि आपके आज्ञा चक्र में गुरु भगवान आएंगे, बसरते इसके लिए आपको मंत्र जाप करना, हाथों से काम करें आप, कोई फैक्ट्री में है कोई कंपनी में है, लेकिन ये बिल्कुल अटल विश्वास रख लो कि मंत्र जाप भूल ना पाओ काम करते हुए। गुरु भगवान ने कहा ना हाथों से अपना काम करो और हृदय से जाप करो, तो वो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा गुरु भाई आपको, 15-20 दिन अगर आप विश्वास करके और गुरु भगवान का नाम
जाप कर ले तो सोल में जैसे अजपा लग जाएगा, बस नींद खुली और ऐसा लगेगा कि हम तो जपा ही रहे हैं बिल्कुल 100%। मैं मेरे जैसे खराब आदमी तो संसार में शायद कोई होगा, मुझे भगवान कितनी अनुभूति कराई गुरु बहन, बहुत अनुभूति। आज वो पुरानी अनुभूति शेयर करता हूँ दीदी और फिर और बताऊंगा। मैं क्या देखता हूँ एक दिन कि राधा कृष्ण भगवान ऐसे सहस्त्रा आज्ञा चक्र से और सहस्त्रार तक जा रहा है और दोनों इतना सुंदर थी, वो सुंदर थे और दोनों का मिलन हो रहा है, गाल से गाल लगा रहे हैं कृष्ण भगवान और राधा जी, बिल्कुल इतनी दिव्य अनुभूति थी दीदी, वो गदगद हो गया था मैं उस दिन, बड़ा दिव्य आनंद आया था। अब मेरे जैसे आदमी को भगवान राधा कृष्ण आज्ञा चक्र से सहस्त्रार में आ रहे, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो गुरु भाई आप परेशान ना हो, मंत्र जाप करें, अजफल लग जाएगा आपको और गुरु भगवान आप तो दीदी मैं अपने अनुभव बताता हूँ ना, और क्या हो रहा है अब अनुभूति तो कोई नहीं हो रही है, काफी दिन हो गए अनुभूति नहीं, लेकिन जो मंत्र जाप चलता है मेरा, मैं कोशिश करता हूँ, मैं तो कोशिश कर सकता हूँ दीदी, कोशिश करने वाले की और कभी हार नहीं होती, एक बात तो निश्चित है, मन लगे अपना ना लगे कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। गुरु भगवान अपने नाम में पंकज गुरु भाई ने कई बार अनुभव पढ़े हैं, उनमें क्या कोई भी समस्या आ रही तो गुरु भगवान कहते हैं मंत्र जपो मंत्र जपो मंत्र जपो, कोई अलग से खटक्रम गुरु भगवान ने बताया ही नहीं है। जी गुरु आता है, कभी लौंग देते थे किसी कैंसर वाले को, लेकिन अब गुरु भगवान देते थे अपने हाथ से वो अलग बात है, कोई खटकर्म ना करके गुरु भगवान ने हमेशा कहा मंत्र जपो, हरि नाम में वो ताकत है कि मेरे जैसे आदमी बदल गया दीदी, सच्ची में पत्थर था बिल्कुल क्या बताऊं अपने कैसे कैसे बताऊं आपको। तो अब क्या हो रहा है गुरु बहन, अनुभव अनुभूति तो नहीं हो रही, गुरु भगवान आज्ञा चक्र में तो आते हैं निश्चित, लेकिन कोई अनुभूति नहीं करवा रहे, लेकिन मेरे मंत्र जाप में इतना दिव्य नशा आ रहा है गुरु बहन, इतना दिव्य नशा कि मैं झूम जाता हूँ उसी में। मैं कभी शराब पीता था, वो शराब पीने से ज्यादा ऐसा लगता है कोई बड़ा अलग से नशा किया विक्रम पटेल ने, उसी में झूम जाता हूँ। तो मैं मुझे अदवा होता है कि जो नाम का नशा है विक्रम पटेल, गुरु भगवान कहते हैं ना कि नशा तो मैं भी कराता हूँ, लेकिन बसरते मैं राम नाम का नशा कराता हूँ। तो दीदी मंत्र जाप में तो इतना नशा है, इतना नशा है, और शरीर के अंदर इतनी गहराई बनती है कि मैं उस गहराई को ना देख पाता हूँ ना भाप पाता हूँ, कितना इतनी गहराई है गुरु बहन अपने शरीर में बहुत, और इतने 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 कलर आते हैं आज्ञा चक्र में, इतने दिव्य कलर आते हैं कि मैं क्या बताऊं। तो गुरु भगवान की तो अब अनुभूति नहीं करवा रहा है, लेकिन वो नाम राम नाम में इतना नशा छा रहा है, बहुत आनंद आ रहा, मतलब आनंद आ रहा, खूब आनंद आ रहा, अब अनुभूति नहीं है तो अनुभूति नहीं करवा हो रही है अब लेकिन कोई घटना घटना होती है उसके कुछ ऐसा आ जाता है समझ में कि अब जे होने वाला है, और वो निश्चित हो जाता है 100% उसमें बिल्कुल नहीं, इतना तो हो गया है। नाम 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 का असर है दीदी, और नाम में बड़ी ताकत है, नाम में अपने माँ बताती थी हमको, तो माँ के मुख से सुना है हमने कभी के राम नाम के उसमें गुरु भगवान से जो नाम मिलता है उसमें 21 पीढ़ी तरती है, बोले बेटा 21 पीढ़ी दीदी। अब बताओ अपन मंत्र जपेंगे तो अपना भला होगा, अपने बच्चों का भला होगा, अपने परिवार का, फिर कुटुंब का, फिर पड़ोस का। गुरु भगवान कहते हैं ना कि नशा तो घर में का पड़ोसी करने में सोचेगा ना असर होता है, तो वो राम का नशा तो मुझे चढ़ा है, मैं उसी में मस्त रहता हूँ दिन भर और बस चला ही रहा गुरु भगवान का। तो जो मेरे अनुभव थे कुछ मैंने शेयर किए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु बहन, जय श्री गुरुदेव गुरु भाई। आपका समर्पण भी बहुत अद्भुत है गुरु भाई, और आप गुरुदेव ने जो आदेश दिया है उस पर भी अच्छे से चल रहे हो गुरु भाई। गुरुदेव ने बस एक ही आदेश दिया है कि समाधि और ध्यान के लालच में नाम जप को ढीला मत छोड़ना, नाम तो करना ही पड़ेगा, मेन तो नाम है, नाम जप चाबी है, कलयुग केवल नाम आधारा, तो यहाँ नाम जप को ज्यादा गुरुदेव ने जरूरी बताया है। नाम जप के बिना कुछ नहीं होगा, नाम जप के बिना ध्यान भी नहीं लगेगा, तो जब नाम जप अच्छा चलेगा उसके बाद ही ध्यान लग पाएगा,
भली भांति प्रकार से, तो नाम जप करना है। और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, रेशमा गुरु बहन की आईडी से अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं गुरु भाई। नहीं गुरु बहन, बस मैं जो मुझे प्रॉब्लम थी वो मैंने बता दिया, अभी कोशिश करता हूँ और जैसे आप लोगों ने बताया, बाकी तो और कोई बाकी और कुछ नहीं कहना चाहता। जी गुरु भाई, हमें केवल मंत्र जप करते समय केवल यही ध्यान रखना है कि मैं स्वयं को चेतन कर रही हूँ, मैं स्वयं को चेतन कर रहा हूँ। जिस दिन हमारे मन का दीपक जल जाएगा उस दिन सब ठीक हो जाएगा। उस दिन जो गुरुदेव दिव्य रूपांतरण की बात करते हैं वो शुरू हो जाएगा। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई जय श्री गुरुदेव। कोई और साधक अपनी बात रखना चाहते हैं या इस विषय में कुछ बोलना चाहते हैं तो स्वागत है। शांति सिंह गुरु बहन स्वागत है। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी बहन भाई, जय श्री गुरुदेव। गुरु बहन जय श्री गुरुदेव। आज क्या बता रहे हो, मैं कल से थोड़े से परेशान हो रही हूँ। मेरे भाई ने छोटा बोल, उसके गले में काफी पता नहीं छाले हो रहे हैं, क्या रहा, आवाज चेंज हो रही है उसकी, तो उसे बोल ही नहीं जा रहा। तो मैं अभी जब ध्यान कर रही ना गुरुदेव से, कह रही मैं गुरुदेव एक भाई है छोटा, उसे ठीक कर देना, उसे बिल्कुल सही कर दो, उसका गला सही कर दो। तो ध्यान करते करते जो गुरुदेव से प्रार्थना करे तो मेरे गले में से जैसे शेर की आवाज निकल रही है, चीते की आवाज निकल रही है, जैसे सांप फुकारे मारे ऐसे आवाज निकल रही है, पता नहीं कैसे कैसे जानवरों की आवाज निकली आज मेरे से, और सीटियां बज रही है जोर जोर से गले में से। मैं गुरुदेव जानते, पता नहीं आप उनको ही मालूम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस बात का। तो मैं थोड़ा सा उसके लिए मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर रही, मैं छोटा है परेशान हो रहा है, वो उसकी आवाज भी नहीं निकल रही है, तो इस चक्कर में तो गुरुदेव ने ऐसे ऐसे आवाज निकलवाई, परेशानी वहां हो रही है, आवाजें मेरी निकल रही। मैं क्या था इसमें ही भलाई होगा, वो ठीक हो जाए जल्दी से। जी कल की भगवान की ये बहुत निराली महिमा है कि समस्या किसी और को होती है और ठीक किसी और के द्वारा हो जाती है। वो बहुत सारे ऐसे साधकों ने अपने अनुभव भी शेयर किए हैं कि भाई समस्या किसी और को थी लेकिन ठीक किसी और के द्वारा हुई है, वो परिवार में ही। तो आप हौसला रखे गुरु बहन, गुरुदेव जो भी करेंगे वो जो अच्छा होगा वही करेंगे गुरुदेव। इतने बताना चाह रहे थे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी बहन भाई हैं तो जय श्री गुरुदेव। गुरु बहन जय श्री गुरुदेव, जय गुरु। जी और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ बोलना चाहते हैं तो स्वागत है, अन्यथा सेशन का समय हो गया है। यदि कोई बोलना चाहते हैं तो स्वागत है। यदि कोई नहीं आना चाहता तो हिंगू अंकल से अनुरोध है कि सेशन को गुरु चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान, सभी गुरु बहन भाइयों को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रिकॉर्डिंग बंद कर दें प्लीज।